क्वेश्चन नंबर फाइव देख लेते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर फाइव दोस्तों आपका, पहले हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या है इसमें पॉइंट्स, टू इंडिया विद यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। तो टू इंडिया विद यूनाइटेड अरब अमीरात फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है भाई। दूसरा पॉइंट क्या है, बांग्लादेश वॉज रिपोर्टेड टू बी वन ऑफ, बांग्लादेश वॉज रिपोर्टेड टू बी वन ऑफ। देखो दोस्तों वन ऑफ आया, तुरंत दिमाग में एक हिंट आ जाना चाहिए, तुरंत ये आ जाना चाहिए। मैंने आप लोगों को कुछ पढ़ाया था पहले कि वन ऑफ कभी भी आया उसके बाद हमेशा क्या आने वाला है दोस्तों भाई, उसके बाद आपका हमेशा प्लूरल नाउन आएगा। क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा और कुछ नहीं आएगा। मतलब वन ऑफ के बाद आपका क्या आया, प्लूरल नाउन आया। देखो एक पेयर कितनी आसानी से बन गई भाई, मैंने क्वेश्चन का दो तीन वर्ड पढ़ा और ये दूसरे पे आए और देखो हमको क्या मिल गया, हिंट मिल गया। मैं वही बता रहा हूँ दोस्तों, सेंटेंस रीअरेंजमेंट करने का सबसे आसान तरीका, अगर आपको पूरी तरीके से समझ में ना आए उसके बाद भी सबसे आसान तरीका क्या है, आप कोई एक पेयरिंग बना लो, कोई एक पेयरिंग सॉलिड बना लो कि हाँ उसके बाद वो तो आना ही आना है, तो आपका बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा क्लियर। चलिए तो देखो क्या है वन ऑफ, अब ढूंढो प्लूरल नाउन का है, सबके स्टार्टिंग में मैं समझाता भी नहीं हूं, चलो डायरेक्ट मैं क्या करता हूँ ट्रिक बता रहा हूँ आपको और आपको आंसर आ जाएगा। देखो तो वन ऑफ, वन ऑफ के बाद ढूंढो जरा प्लूरल नाउन का है भाई, टू इंडिया, तो टू इंडिया टू आ गया, प्लूरल नाउन नहीं है। यहाँ पे इसको देखो द यूएस, द यूएस सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन नहीं है। इधर देखो द हाईएस्ट सोर्सेस, ये हो गया आपका प्लूरल नाउन। क्या हो गया दोस्तों, हाईएस्ट सोर्सेस, ये हो गया आपका प्लूरल नाउन। इसका क्या मतलब है कि आपका पेयर बन गया, कौन सा पेयर बन गया, वन ऑफ, मतलब बी, और बी के बाद क्या आने वाला है डी, ये तो होना ही होना है, ये तो आपका क्या हो गया, ये पेयर हो गया, ठीक क्लियर हुआ। देखो किस तरीके से हमने एक लीड ले ली, हमको एक पता चल गया दोस्तों, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगर ऑप्शन होता तो हम लोग बी डी के अलावा जो भी थे सब कट कर देते, चलिए। बट अब और दूसरा देखते हैं, इससे हमारा काम 80% हमारा काम आसान हो गया, चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपका था टू इंडिया विद यूनाइटेड अरब एमिरात, ठीक वो हो गया। आगे बांग्लादेश वॉज रिपोर्टेड टू बी वन ऑफ, बांग्लादेश जो है वॉज रिपोर्टेड टू बी वन ऑफ, ये है। फिर है द यूएस, सऊदी अरब, कतार एंड द यूके। देखो भाई सभी के नाम दिए हुए हैं, द यूएस, सऊदी अरेबिया, कतार एंड द यूके। और आगे देख लेते हैं द हाइएस्ट सोर्सेज ऑफ रेमिटेंस। अब ये तो हमने पता कर लिया, एक पेयरिंग तो हमने निकाल ली, अब हमको पता करना है दोस्तों कि हमारा जो सेंटेंस है वो शुरू किससे हो रहा है, स्टार्टिंग लाइन कौन सी है। देखो जाहिर सी बात है, स्टार्टिंग लाइन का जो सेंटेंस आपका है कोई सब्जेक्ट होना चाहिए या कोई नाउन होना चाहिए। हम देख लेते हैं कि नाउन कहाँ दिख रहा है हमको, देखो टू, टू इंडिया, तो टू आया मतलब आपका जो है ए से शुरुआत नहीं होगा, ठीक है। देखो एक एक को हम लोग कट करते चलते हैं भाई, टू आया मतलब ए से शुरुआत नहीं होगा। बांग्लादेश वॉज रिपोर्टेड टू बी, बांग्लादेश है और देखो बांग्लादेश आपका सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद आपका वर्ब, ठीक है, उसके बाद आपका मेन वर्ब और ये, तो ये बिल्कुल इससे हो सकता है, किससे हो सकता है दोस्तों, बी से आपका शुरुआत हो सकता है, ठीक है, बी से स्टार्टिंग हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं, इसके आगे क्या आ रहा है, देखो बांग्लादेश वॉज रिपोर्टेड टू बी वन ऑफ, अब मैंने बताया था बी के बाद क्या आना है, डी आना है, तो चलिए हमने मान लिया कि बी डी से हमारी शुरुआत हो रही है, कि बांग्लादेश वॉज रिपोर्टेड टू बी वन ऑफ द हाईएस्ट सोर्सेज ऑफ रेमिटेंस। अब रेमिटेंस के बाद क्या आ रहा है वो देखो, हाईएस्ट सोर्सेज ऑफ रेमिटेंस टू इंडिया, या तो क्या होगा कि रेमिटेंस के बाद ये आएगा टू इंडिया, या फिर क्या होगा कि रेमिटेंस के बाद आएगा द द यूएस, देखते हैं ये फिट हो रहा है कि नहीं, द हाईएस्ट सोर्सेज ऑफ रेमिटेंस द यूएस। देखो इसमें कोई कनेक्टर तो होना चाहिए ना, देखो हाईएस्ट सोर्सेज ऑफ रेमिटेंस, सोर्सेज ऑफ रेमिटेंस, तो ये आपका क्या है, नाउन है दोस्तों, ये क्या है, रेमिटेंसेस क्या है आपका, नाउन है, ठीक है। उसके बाद द यूएस, मान लो हम लोग ये ले रहे हैं सी वाला ले रहे हैं, है ना, तो द यूएस भी नाउन है, तो नाउन के बाद नाउन तो आएगा नहीं, है ना, जाहिर सी बात है कोई दूसरा आएगा, क्या आना चाहिए, बचा क्या हमारे पास, ये वाला ए ऑप्शन बचा है, मतलब बी डी उसके बाद
आपका ए ऑप्शन आना है। क्यों आना है ए ऑप्शन? क्योंकि यहाँ पे कोई कनेक्टर लगा है टू प्रीपोजिशन, ठीक है, टू लग गया मतलब ये हो सकता है। देखो तो बी, बी से शुरू कर देते हैं हम लोग। द बी क्या है, मैं फिर से पढ़ देता हूँ, बांग्लादेश वॉज रिपोर्टेड टू बी वन ऑफ, ध्यान देना दोस्तों, ठीक है, बांग्लादेश वॉज रिपोर्टेड टू बी वन ऑफ। उसके बाद मैंने बताया था कि वन ऑफ के बाद द हाइएस्ट सोर्सेज ऑफ रेमिटेंस, जम रहा है बिल्कुल कोई इशू नहीं। उसके बाद रेमिटेंस टू इंडिया विद द यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक। अब देखते हैं कि इसके बाद बचा क्या, ए लगा दिया मैंने, ठीक। अब बचा क्या मेरे पास, मेरे पास केवल सी बचा। तो अमीरात के बाद ये जम रहा है कि नहीं, अमीरात देखो कॉमा नहीं सॉरी ये यहाँ पर अमीरात द यूएस सऊदी अरेबिया कतार एंड द यूके, बिल्कुल आ सकता है। देखो क्या हो रहा है, ये सब देशों के नाम बताए जा रहे हैं विद द यूनाइटेड अमीरात, एक यूनाइटेड अमीरात का नाम है, उसके बाद द यूएस का नाम है, उसके बाद सऊदी अरेबिया का नाम है, और उसके बाद कतार, और लास्ट में यूके और फुल स्टॉप आ गया, मतलब बिल्कुल एकदम सेट हो रहा है, मतलब ये हो गया सी। इसका मतलब है दोस्तों बी डी ए सी, ये हमारा एकदम राइट पेयर है हमारा, ठीक है, क्या है ये एकदम करेक्ट पेयर है। देखो इसका थोड़ा मीनिंग हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, मीनिंग इसका हम समझते हैं, क्या मीनिंग है बी का। देखो बांग्लादेश वॉज रिपोर्टेड टू बी, तो बांग्लादेश जो है उसके बारे में ये कहा गया है कि उसके बारे में क्या रिपोर्ट आई है कि वो क्या है, वन ऑफ दी हाईएस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस, रेमिटेंस टू इंडिया, मतलब अगर टू इंडिया विद द यूनाइटेड, रेमिटेंस टू इंडिया विद द यूनाइटेड अरब अमीरात, द यूएस, यूके, कतार एंड दी, मतलब बांग्लादेश जो है वो सबसे ज्यादा किस पे डिपेंड करती है, बांग्लादेश को कर्जा है ना, सबसे ज्यादा कर्जा कौन से देशों ने दिया हुआ है, सबसे ज्यादा इंडिया ने दिया है ना, और उसके साथ साथ और क्या क्या है, आपका यूएस है, आपका यूनाइटेड अरब अमीरात है, सऊदी अरेबिया है, कतार है और यूके है, ठीक। ये बांग्लादेश के बारे में पूरा एक सेंटेंस दोस्तों, क्लियर हुआ। देखा आप लोगों ने किस तरीके से हमने किया, दो चीजें याद रख लो सेंटेंस रीअरेंजमेंट में, मैं आपको बताता हूं कि कभी आप गलती नहीं करने वाले हो। एक क्या, एक तो पेयरिंग बनाया करो, सबसे पहले कुछ ऐसे वर्ड्स की कॉम्बिनेशन होती है, जैसे ये देखो वन ऑफ, तो वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल्स आता है, वो याद कर लो। जैसे रेमिटेंस आया, तो रेमिटेंसेस उसके बाद हमेशा कोई कनेक्टर आना चाहिए ज्वाइन करने के लिए, तो ये छोटी छोटी चीजें याद रख लो। और दूसरा एक पॉइंट याद रखो कि शुरुआत किससे करेंगे, जाहिर सी बात है नाउन से या किसी सब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे, ठीक है, बहुत आसानी से आप अरेंजमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलो मीनिंग नहीं भी पता हो तो भी चलेगा, ट्रिक्स पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिक्स वाला देखो, हैज टू गिव अवे टू, सीधी सी बात है हैज टू गिव अवे टू है, मतलब इससे शुरुआत तो नहीं होगा, ठीक है ना, इससे शुरुआत नहीं होगा, इसका मतलब ए जो है इससे स्टार्टिंग नहीं होगा। आगे चलते हैं, एट द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, प्रीपोजिशन है भैया एट, क्या है एट प्रीपोजिशन, हैज टू क्या है आपका, ये भी आपका ऑक्सिलरी है, उससे भी नहीं होगा, मतलब आपका बी से भी जो सेंटेंस शुरुआत नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। बहुत ध्यान से करना पड़ता है क्योंकि इधर ऑप्शन नहीं है, इस तरीके से ही करना है आपको, बी से शुरुआत नहीं होगा। फिर द प्रेजेंट, द आ गया बिल्कुल हो सकता है, देखो द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ रनिंग ट्रेन्स, देखो द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ रनिंग ट्रेन्स ऑन अ कंजेस्टेड, एकदम घिचपिच बहुत ही ज्यादा पास पास कंजेस्टेड नेटवर्क, ठीक है, द प्रेजेंट सिस्टम बिल्कुल हो सकता है इससे, ठीक है। सी जो है आपका, सी से सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है, पर देखते हैं हम लोग अगला क्या है, सेफ्टी कॉन्शियसनेस इन ऑपरेशन, इससे भी शुरुआत हो सकती है भाई। डी जो हमारा है, डी से भी आपका, डी से भी आपकी शुरुआत हो सकती है। तो अभी हमने क्या देखा कि सी से भी शुरू हो सकता है और डी से भी शुरू होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग सी से इसको मैच करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या लिखा है, द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ रनिंग ट्रेन्स ऑन अ कंजेस्टेड नेटवर्क, ये जो अभी का जो सिस्टम है, ये जो प्रेजेंट का सिस्टम है ट्रेन चलाने का, कहां पर, ऑन अ कंजेस्टेड, ध्यान देना दोस्तों, ऑन अ कंजेस्टेड नेटवर्क। अब ये आया, देखो द प्रेजेंट सिस्टम है ना, और ये सब एक्स्ट्रा बातें बताई गई है, ध्यान देना, ये क्या है आपका सब्जेक्ट है, ये क्या है सब्जेक्ट है,
अब इसमें एक्स्ट्रा बातें बताई गई है क्या, प्रेजेंट सिस्टम किसका, ट्रेन चलाने का, कहाँ पे, ऑन अ कंजेस्टेड नेटवर्क। अब जाहिर सी बात है इसके बाद क्या आना चाहिए, कोई हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा दिख रहा है आपको बताओ, सेफ्टी तो नहीं है, ठीक है, और क्या दिख रहा है, एट, एट भी नहीं है हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या दिख रहा हैज टू, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटिव या ऑक्सिलरी इसको बोलते हैं, ये भी हेल्पिंग वर्ब भी माना जाता हैज टू, तो हैज टू देखते हैं हैज टू फिट हो रहा है कि नहीं, ठीक है, मैंने बस इतना सा निकाला। देखो थोड़ा समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट हो गया ये, उसके बारे में एक्स्ट्रा बातें हो गई, उसके बाद वर्ब आना चाहिए, भाई वर्ब आना चाहिए, ये वर्ब आ गया, देखो ये जम रहा है कि नहीं, द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ रनिंग ट्रेन्स ऑन अ कंजेस्टेड नेटवर्क, जम रहा है कि नहीं, देखो has to give way to, मतलब वो सिस्टम की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट सिस्टम ऑफ रनिंग ट्रेन ऑन अ कंजेस्टेड नेटवर्क has to give way to क्या। अब देखो टू आया, ध्यान दो दोस्तों, टू आया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आने की चांसेस है, has to give way to, जाहिर सी बात है ये तो आएगा नहीं, एट टू है, टू के बाद एट तो आएगा नहीं, है ना, has to give way to, टू, टू के बाद, टू के बाद सेफ्टी आएगा क्या, has to give way to safety consciousness in operation, अगर मैं लिखता हूं कि has to give way to safety consciousness in operation, तो उसके बाद क्या आना चाहिए फिर, in operation at the cost of maintenance and safety, तो has to give way to safety consciousness in operation, has to give way to, उसके बाद safety consciousness तो आपका जम ही नहीं रहा है भाई, सेफ्टी कॉन्शियसनेस जम रहा है क्या आपका, सेफ्टी कॉन्शियसनेस आपका नहीं जम रहा है, ठीक है, सेफ्टी कॉन्शियसनेस जो है आपका नहीं जम पा रहा है, तो हम लोग फिर दूसरा इसमें देखने वाले हैं, एट द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस हैज टू गिव द प्रेजेंट सिस्टम, मतलब ये आपका यहां नहीं जम रहा है, दूसरा देखते हैं हम लोग, कुछ और देखते हैं, अगर मान लो मैं, आप दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, हम लोग प्रेजेंट को नहीं लेते हैं, हम लोग अगर इसको ले, यो देखो इधर जम ही नहीं रहा है यार, कितना हमने कोशिश किया नहीं जम पा रहा है, द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ रनिंग ट्रेन्स द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ रनिंग ट्रेन ऑन द नेटवर्क सेफ्टी कॉन्शियसनेस इन ऑपरेशन हैज टू, बिल्कुल नहीं जम पा रहा है, चलिए फिर से ट्राई करेंगे, अब हम लोग लेने वाले हैं, अब हम लोग लेने वाले हैं, शुरुआत करते हैं, देखो हमारा सी से हमने कोशिश की, ठीक है, सी से हमारा नहीं हो पा रहा है, देखो हमने ट्राई करा, ए से नो सर, बी से एट आया, नो सर, सी से नो, सी से नहीं हो रहा, देखो सी ने कितना टाइम खींच लिया, बट करना पड़ेगा आपको, सी से क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ एंड में वो उसका कोई मीनिंग निकल के नहीं आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि आपका शुरुआत डी से ही होना है, आपकी शुरुआत किससे होना है, डी से होना है, क्यों होना है डी से, क्योंकि हमको तीनों से नहीं, अब बताओ डी से पेयरिंग करते हैं, तो चलिए डी से क्या है, सेफ्टी कॉन्शियसनेस इन ऑपरेशन, क्या हो गया, सेफ्टी कॉन्शियसनेस इन ऑपरेशन, अब देखो सेफ्टी कॉन्शियसनेस इन ऑपरेशंस, ऑपरेशंस, अब इसके बाद ऑपरेशंस के बाद सीधी सी बात है नाउन आएगा, हेल्पिंग, सॉरी हेल्पिंग वर्ब आएगा, सेफ्टी कॉन्शियसनेस इन ऑपरेशन, उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कहाँ है आपका, द प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, एट नहीं है, ये है, तो ये रहा, हैज टू गिव वे, मतलब डी के बाद आपका ए आएगा, क्या आएगा डी के बाद, ए आएगा, देखो सेफ्टी कॉन्शियसनेस इन ऑपरेशन has to give way to, अब टू आया, टू के बाद क्या आएगा भाई, टू के बाद जो है या तो आपका कोई नाउन आ सकता है या आपका वर्ब आ सकता है, प्रीपोजिशन तो नहीं आएगा, तो has to give way to, ये आ गया द प्रेजेंट सिस्टम, मतलब आपका सी आ गया, सी वाला आ गया, क्या हो गया, द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ रनिंग ट्रेन ऑन अ कंजेस्टेड नेटवर्क, और फिर आपका आखिरी में बचा क्या, क्या बचा, बी बचा, तो ये बी आ गया, देखो नेटवर्क एट द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड सेफ्टी, अब हम लोग इसको मैच करते हैं, इसको मैच करते हैं, देखो आप डी से शुरू करो, ठीक है, सेफ्टी कॉन्शियसनेस इन ऑपरेशंस, ठीक है, अब ए वाला, सेफ्टी कॉन्शियसनेस इन ऑपरेशन हैज टू गिव वे टू, ठीक है, उसके बाद वे टू द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ रनिंग ट्रेन्स ऑन अ कंजेस्टेड नेटवर्क
एट द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड सेफ्टी। बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही लग रहा है। यही हमारा ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। इसका मीनिंग देखो, इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, सेफ्टी कॉन्शियसनेस इन ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब जब भी आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, है ना, कोई काम कर रहे हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग का वर्क कर रहे हो, उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, सेफ्टी कॉन्शियसनेस जो है, मतलब जो सेफ्टी के प्रति आपका जो आपकी जो अवेयरनेस है वो क्या होना चाहिए, हैज टू गिव वे टू, उससे किस चीज का रास्ता होना चाहिए, किस चीज का रास्ता खुलना चाहिए, द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ रनिंग ट्रेन एंड ऑन अ कंजेस्टेड नेटवर्क। मतलब अभी जो प्रेजेंट सिस्टम चल रहा है, अभी जो इसका जो प्रेजेंट सिस्टम चल रहा है ट्रेन का, उसके अंदर जो है सेफ्टी कॉन्शियसनेस जो है वो और ज्यादा उसको बढ़ाना चाहिए। ये उसका मीनिंग निकल के आ रहा है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। ये हमारा डी ए सी बी जो है आपका ये पेयर बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखें, इसके अंदर देखो ऑप्शंस नहीं है आप लोगों को, चलिए बिना ऑप्शन के हमको करना है। द वर्ल्ड बैंक इन रिड्यूसिंग इंट, एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। द वर्ल्ड बैंक इन रिड्यूसिंग इट्स, है ना, क्या लिखा है, द वर्ल्ड बैंक इन रिड्यूसिंग इट्स। देखो सीधी सी बात है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, द वर्ल्ड बैंक इन रिड्यूसिंग इट्स, इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है कि शुरुआत तो आपकी इससे नहीं होगी, क्योंकि ये इज होता है ना, यहाँ पे इज नहीं है, याद रखना दोस्तों, यहाँ पे ये प्रीपोजिशन है आपका, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है, क्या है आपका, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है, इसका मतलब देखो इनकम्प्लीट लग रहा है, मतलब आप क्या करेंगे कि ए से आपका सेंटेंस शुरू नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट फिर देख लेते हैं, द IMF, देखो इसका मतलब है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है जो बहुत सारे देशों को जो है आर्थिक सहायता देता है, पैसे से मदद करता है, उसकी बात हो रही है। देखो द IMF जो है ऑन ट्यूजडे फॉलोड, ये वो है, अगला देख लेते हैं। अब आप एक चीज देखें, क्या हम बी से शुरू कर सकते हैं, आप बताओ भाई, IMF ऑन ट्यूजडे फॉलोड, भाई IMF आपका क्या है, नाउन है ना, सब्जेक्ट बन सकता है, ऑन ट्यूजडे फॉलोड बिल्कुल हो सकता है, सब्जेक्ट है, देखो कैसे आपका सब्जेक्ट मिल गया, उसके बाद आपका जो है फॉलोड जो वर्ड है वो आपका वर्ब है, तो वर्ब मिल गया, मतलब हम शुरुआत जो है आप देखें बी से हम शुरुआत कर सकते हैं, बी से दोस्तों हम शुरुआत कर सकते हैं, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट, इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर, इन क्या आ गया, प्रीपोजिशन आ गया, प्रीपोजिशन से शुरुआत नहीं कर सकते, तो सी से आपका सेंटेंस शुरू नहीं होगा। नेक्स्ट है क्या, फोरकास्ट फॉर इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है देखते हैं, फोरकास्ट फॉर इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ क्या मतलब है, कि जो फोरकास्ट है किसका, इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ का, उस मतलब आप देखा जाए तो फोरकास्ट, अगर आप इसको नाउन की तरह ट्रीट कर रहे हैं उस कंडीशन में हम लोग हमारा सेंटेंस डी से जो है वो शुरू कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, किससे कर सकते हैं शुरू हम लोग, डी से आपका सेंटेंस बिल्कुल शुरू हो सकता है, हाँ तो हमारा बी और डी दो से आपके सेंटेंस शुरू हो सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बी के बाद क्या आ रहा है, ठीक है, बी और डी से शुरू करते हैं, अब देखते हैं कि बी के बाद क्या आ रहा है, बी देखो द आई एम ऑफ सॉरी द आई एम एफ ऑन ट्यूजडे फॉलोड, अब ये फॉलोड है, क्या फॉलोड के बाद और कुछ आ रहा है, देखते हैं, फॉलोड के बाद इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, तो ट्यूजडे फॉलोड इन द नहीं आएगा, ट्यूजडे फॉलोड के बाद द आ सकता था, देखो ध्यान दो भाई, ट्यूजडे फॉलोड वर्ब है तो वर्ब के बाद क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए, है ना, प्रीपोजिशन नहीं आएगा तो ये सी नहीं आएगा आपका, ठीक है, और क्या आ सकता है, फॉलोड फोरकास्ट देख लेते हैं, द आई एम एफ ऑन ट्यूजडे फॉलोड फोरकास्ट, भाई आई एम जो है उसने क्या करा, ट्यूजडे को क्या करा, फॉलो किया, क्या फोरकास्ट फॉर इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ, अब आप बताओ आई एम एफ ऑन ट्यूजडे फॉलोड फोरकास्ट फॉर, तो उसको फोरकास्ट को थोड़ी फॉलो करेंगे, ठीक है, ऑन ट्यूजडे फोरकास्ट फॉर इंडिया, देखो फोरकास्ट द हो सकता था, देखो ध्यान दो, द आई एम एफ ऑन ट्यूजडे, भाई IMF जो है वो ऑन ट्यूजडे के को फॉलोड फोरकास्ट फॉर इंडिया, हाँ फॉलोड द फोरकास्ट होना था, यहाँ पे क्या होना था, फॉलोड द फोरकास्ट, उस पर्टिकुलर फोरकास्ट की जब बात करते हैं
तो हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पे फिट होता। इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसका मतलब है कि आपका जो बी है और आपका जो है, देखो मैंने क्या बोला, फॉलोड, फॉलोड के बाद नाउन आएगा। अब नाउन या तो ये आ सकता है या फिर नाउन आपका ये आ सकता है, भाई नाउन तो दो ही है आपके, ठीक है ना। देखो फॉलोड के बाद वर्ब वी थ्री के बाद आपका नाउन आएगा, नाउन या तो फोरकास्ट आ सकता है या फिर आपका जो नाउन है वो वर्ल्ड बैंक आ सकता है। अब फोरकास्ट आएगा कि नहीं आएगा, देखो फोरकास्ट का मतलब क्या होता है, प्रेडिक्शन है ना, प्रेडिक्शन। तो अगर फॉलोड, अब प्रेडिक्शन तो बहुत सारी है, उसमें द लगाना पड़ता हमको, फॉलोड द प्रेडिक्शन द फोरकास्ट फॉर इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर होता मतलब यहाँ पे द नहीं है, अगर द होता तो आप ये नाउन लगा देते, मतलब आपका बी के बाद जो है वो डी नहीं आएगा, बी के बाद डी नहीं आएगा। तो फिर क्या आना चाहिए बी के बाद, बी के बाद हमारे पास ऑप्शन बचा ए, बी के बाद ए आएगा कि नहीं आएगा देख लेते हैं। देखो फिर से देखते हैं बी वाला, द आई एम एफ ऑन ट्यूजडे फॉलोड द वर्ल्ड बैंक, हो सकता है ठीक है कि भाई आई एम जो है उसने क्या करा, ट्यूजडे को फॉलो किया, क्या क्या फॉलो किया, द वर्ल्ड बैंक, किस प्रकार फॉलो किया, इन, बिल्कुल बराबर आ रहा है, फॉलोड द वर्ल्ड बैंक इन, इन किस में, इन रिड्यूसिंग, रिड्यूस करने में, इन रिड्यूसिंग क्या, इन रिड्यूसिंग इट्स। देखो दोस्तों क्या आया, इट्स आया। अब वापस से इट्स जो है, इट्स जो है आपका वो क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, भाई पजेसिव प्रोनाउन है वो हमेशा किसके बाद, किसके पहले लगता है, नाउन के पहले लगता है, ठीक है। देखो क्लियर हो रही है बात, पजेसिव प्रोनाउन हमेशा किसके पहले लगता है, नाउन के पहले लगता है। नाउन कहाँ है, देखो ये तो हमने ले लिया, उसके बाद ये हमारा प्रीपोजिशन है, उसके बाद बचा क्या, फोरकास्ट, तो फोरकास्ट हमारा नाउन है। मतलब क्या हो रहा है, देखो ध्यान दो, बी आ गया उसके बाद ए आ गया, उसके बाद नाउन आना ही आना है, भाई इट्स आया, देखो ध्यान से इट्स आया, इसका क्या मतलब है, अगला इट्स के बाद नाउन आना ही आना है, और नाउन केवल एक ही में, एक ही में है, किसमें, डी में है, ठीक है। देखो कैसा पेयर बन गया भाई, बी ए डी, तीन पेयर बन गया, ऑब्वियसली लास्ट में क्या होगा, सी हो जाएगा। देखो आ रहा है कि नहीं सी, तो देखो फिर से देखो, देखो लास्ट तक मैच करना है ना, पता चला कि नन ऑफ देम भी आ सकता है, इसलिए सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी मैच करना है। तो देखो बी फिर से देखते हैं, बी बी से शुरू करते हैं, बी ए डी सी हमारा पेयर बन रहा है, देखो बी से शुरू करते हैं, द आई एम एफ, ठीक है ना, ऑन ट्यूजडे फॉलोड, ठीक है ना, फॉलोड क्या, फॉलोड द वर्ल्ड बैंक, ठीक है बराबर, फॉलोड द वर्ल्ड बैंक किस में, फॉलोड इन, किस काम में, कैसे फॉलो किया, इन, इन रिड्यूसिंग, रिड्यूस करने में, क्या रिड्यूस करने में, इट्स, अपना, अपना क्या, इन रिड्यूसिंग अपना क्या, फोरकास्ट, अपना फोरकास्ट, अपना जो प्रेडिक्शन है वो रिड्यूस करने में, किसके लिए, फॉर इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके लिए। अब आगे सी आ रहा है कि नहीं, हाँ इन द, देखो कब, ये कब आ रहा है, इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर, बिल्कुल करेक्ट आ रहा सी वाला, ठीक है, इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर, कब हुआ ये, कब उन्होंने रिड्यूस किया, इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर। तो आपका दोस्तों पेयर बन गया बी ए डी सी, ठीक है, क्लियर है। देखो कितना आसान तरीके से अपन ने कर लिया, देखो पूरा, द आई एम एफ ऑन ट्यूजडे फॉलोड द वर्ल्ड बैंक इन रिड्यूसिंग एड्स फोरकास्ट फॉर इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक, क्लियर, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपका स्टार्टर दिया हुआ है, स्टार्टर यहाँ से यहाँ तक, दोस्तों स्टार्टर जो है वो या तो इटैलिक में होगा या फिर आपका जो है अंडरलाइन में होगा, ठीक है। स्टार्टर दिया है इसका मतलब स्टार्टर के बाद से हमको 1 2 3 देखना है कि करेक्ट कौन सा है। चलिए तो ये तो अपना है सेवरल पीपल, सेवरल का मतलब होता है कुछ, कुछ जो लोग हैं, तो सेवरल पीपल बिकेम लीडर्स, वो क्या बन गए, वो लीडर बन गए भाई, बिकेम क्या, लीडर्स बन गए, ठीक। अब आगे देखते हैं, अब देखो बिकेम लीडर, उसके आगे क्या लिखा है, रिमेंड वेयर दे वर, ये हो सकता है कि नहीं, देखो सेवरल पीपल बिकेम लीडर रिमेंड वेयर दे वर, मतलब जो कुछ लोग जो हैं, जो कि लीडर बन गए थे वो वहीं रहे जहां पर वो पहले थे, जहां पर वो पहले थे। इसका क्या मतलब है कि ए से हमारा आ सकता है कि नहीं, शुरुआत हो सकती है कि नहीं, तो ए से चलिए हो सकती है शुरुआत, ठीक है, क्योंकि आपका ये सेवरल पीपल बिकेम लीडर, कुछ लोग लीडर्स बन गए, और फिर और आगे अपन ने कुछ एक्शन लगा दिया कि रिमेंड, ठीक है। लेकिन देखो दोस्तों कैसे होगा, या ये स्ट्रक्चर देखो आप, ये है सेवरल पीपल, ध्यान देना, सेवरल पीपल आपका क्या है, सब्जेक्ट है,
दोस्तों फाउंडेशन क्लियर करो, आपकी जो कंसेप्ट है वो क्लियर करो, तो ही आप ये कर पाओगे। ठीक है, देखो सेवरल पीपर क्या है, सब्जेक्ट है। अब क्या हो गया, देखो बिकेम, बिकेम क्या है, वर्ब है। ठीक है, क्या बन गए वो, लीडर्स, लीडर्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। दोस्तों एक चीज देखो आप, आपका सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो रहा है, सेवरल पीपल बिकेम लीडर। भाई सेंटेंस कंप्लीशन का क्या मतलब है कि आपका सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अब आपको अगर नया सेंटेंस शुरू करना है तो कोई ना कोई सब्जेक्ट होना चाहिए भाई, कोई ना कोई सब्जेक्ट होना चाहिए ना। लेकिन यहां अगर आप इसके बाद ये चलाते हो, ये वाला सेंटेंस, ये वाला, तो ये देखो सीधा रिमेंड आ गया, मतलब यहां पे आपका सब्जेक्ट तो मिसिंग है। समझ में आ रही, क्या होगा, इट रिमेंड वेयर आता या दे रिमेंड वेयर आता, मतलब यहां पे आपका सब्जेक्ट तो मिसिंग है। इसका क्या मतलब है कि ये हमारा गलत प्रेडिक्शन ए वाला जो है नहीं होगा, ए वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैंने बता दिया, आपका पहला सेंटेंस पूरा कंप्लीट है। ठीक है, सेवरल पीपल बिकेम लीडर्स, ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद रिमेंड है तो कुछ ना कुछ सब्जेक्ट आना था भाई। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है कि पहले एकदम डायरेक्ट वर्ब नहीं आ सकता है, पहले क्या आना था, सब्जेक्ट आना था। तो आपका मतलब क्या हो गया कि ए से शुरुआत हमारे सेंटेंस की नहीं होगी। देखो कितना आसानी से, बताओ ए वाला कोई ऑप्शन है, ए वाला ये रहा, इसको कट कर दो। ठीक, ABCD हमारा ऑप्शन से बाहर हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं, रिमेंड वेयर एंड मिनिस्टर्स आफ्टर दैट, एंड मिनिस्टर्स, अब देख लेते हैं एंड ये आएगा कि नहीं आएगा। सेवरल पीपल बिकेम लीडर्स एंड मिनिस्टर्स, हो सकता है भाई कुछ जो लोग हैं वो लीडर भी बने, और देखो एंड के बाद एस लग गया, देखो प्लूरल भी है भाई, लीडर ये एस है और यहाँ पे मिनिस्टर्स ये एस है, मतलब आपका सेंटेंस का मीनिंग आ रहा है, सेंस आ रहा है। ठीक है ना, देखो सेवरल पीपल बिकेम लीडर्स एंड मिनिस्टर्स आ रहा है बिल्कुल। आफ्टर दैट, इसका क्या मतलब है कि आपकी जो शुरुआत है सेंटेंस की वो किससे हो सकती है, बी से बिल्कुल हो सकती है, बी से भाई शुरुआत है ना, हो सकती है। चलिए आगे देख लेते हैं, सी से होती है कि नहीं वो देखते हैं। सेवरल पीपल बिकेम लीडर्स रैली, रैली, रैली करना मतलब वही रैली आंदोलन, या फिर वो जो रैली में जो लोग जाते हैं, ठीक है उसकी बात हो रही है। तो सेवरल पीपल बिकेम लीडर्स रैली बट द, रैली बट द पीपल, देखो रैली बट द पीपल, ये जम रहा है क्या, आपका आ रहा है क्या, बताओ मुझे, पेयरिंग जम रहा है। सेवरल पीपल बिकेम लीडर्स रैली बट द, रैली बट द क्या होता है, मतलब आपका नहीं आ रहा है, मतलब आपकी जो शुरुआत है वो किससे नहीं होगी, सी से, सी से शुरुआत नहीं होगी, सी से शुरुआत नहीं होगी। दोस्तों सी वाला देखो, सी से शुरुआत का कोई ऑप्शन है क्या, सी से शुरुआत का ऑप्शन ये रहा, बिल्कुल कट कर दो भाई, सी से शुरुआत ही नहीं होगी तो ऑप्शन गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन बाकी, देखो ध्यान से, एक तो बी, बी से शुरुआत वाला बच रहा है और दूसरा डी से शुरुआत वाला हो रहा है। हम देख लेते हैं, अब हम लोग सी से शुरुआत, बी से शुरुआत वाला, बी तो मैंने बोला कि हाँ हो सकता है। ठीक है, अब मैं आगे देख लेता हूं डी से हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देख लेते हैं। देखो सेवरल पीपल बिकेम लीडर्स, भाई कुछ लोग क्या हो गया, सेवरल पीपल बिकेम लीडर्स, उसके बाद डी लगा देते हैं हम लोग, लीडर्स बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी। देखो सेवरल पीपल बिकेम लीडर्स बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी, अगर देखो दोस्तों सेवरल पीपल बिकेम लीडर्स और उसके बाद बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी, तो ये वापस वर्ब भाई, यहाँ पे वर्ब यही वाली बात आ गई कि बिलोंगिंग वर्ब आया, देखो सेवरल पीपल बिकेम लीडर्स और उसके बाद ये वर्ब आया और वो भी वर्ब का आईएनजी आया, मतलब इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब होना था, क्या होना था, हेल्पिंग वर्ब, पर इधर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये तो आपका ऑब्जेक्ट है, नाउन है, मतलब ये आपका डी से शुरुआत नहीं होगी, डी से शुरुआत नहीं होगी। दोस्तों देखा, समझ में आया किस तरीके से कर रहे हैं हम लोग, सेवरल पीपल बिकेम लीडर्स बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी, डी से शुरुआत नहीं होगी, डी से शुरुआत नहीं होगी मतलब आपका ये वाला फोर्थ ऑप्शन भी गया। देखो सेवरल पीपल बिकेम लीडर रिमेंड वेयर, ये तो जम नहीं रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो एरर है, ऐसा तो है नहीं कि ये पूरा करेक्ट आंसर है, तो आपका नन ऑफ द ऑप्शन भी गया भाई, कुछ ना कुछ तो एरर है, अगर कुछ भी एरर नहीं होता तो ये फिट होता हमारा फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है, बचा क्या हमारा, बचा क्या, सेकंड वाला, सेकंड वाला हमारा एकदम राइट होगा। ठीक है, सेकंड वाला हमारा राइट होगा, आंसर क्या है हमारा, देखो ट्रिक से कर रहे हैं हम लोग,
मीनिंग नहीं आए उसके बावजूद जो हम लोग ट्रिक से करने की कोशिश कर रहे हैं, बी सी डी ए ये हमारा सही फॉर्मेट है। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये फिट सही हमारा मीनिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप देखो बी से शुरुआत करना है, ध्यान दो, सेवरल पीपल बिकेम लीडर्स, ठीक है, बी का मैंने राइट लगाया था यहाँ पे, ठीक है, सेवरल पीपल बिकेम लीडर्स कहा गया बी एंड मिनिस्टर्स, देखो सेवरल पीपल बिकेम लीडर्स एंड मिनिस्टर्स आफ्टर दैट, अब आफ्टर दैट आया, उसके बाद डी बिकेम लीडर्स आफ्टर दैट उसके बाद डी क्या है आपका, सेवरल पीपल, सॉरी सी आएगा है, बी के बाद सी आएगा, डी नहीं आएगा, ठीक है, तो सेवरल पीपल बिकेम लीडर उसके बाद एंड मिनिस्टर्स आफ्टर दैट उसके बाद सी आफ्टर दैट रेली देखो क्या है, सेवरल पीपल बिकेम लीडर्स एंड मिनिस्टर्स आफ्टर दैट रेली, ये आपका सही तरीका है पढ़ने का। कुछ लोग जो है वो बन गए क्या, लीडर भी बन गए और मिनिस्टर भी बन गए उस रैली के बाद, आफ्टर दैट रैली, बिल्कुल सही है। लेकिन अब उल्टा देखो, कुछ लोग लीडर बन गए लेकिन बट द क्या हो गया, बट द पीपल बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी रिमेन्ड वेयर दे वर, ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रहा है, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली आपका करेक्ट है। क्या मीनिंग आ रहा है कि कुछ तो लोग जो है वो लीडर भी बन गए और मिनिस्टर भी बन गए उस रैली के बाद, लेकिन जो लोग थे, ठीक है, जो कि उस कम्युनिटी के थे, कॉमन लोग जिन्होंने वहां पे रैली की, सब लोगों ने हिस्सेदारी ली, उनका क्या हाल हुआ, देखो कम्युनिटी उनका क्या हुआ, दे रिमेन्ड वेयर दे वर, वो जहां पर थे वहीं पर थे, है ना, ऐसा होता है यूजुअली कि कोई भी बड़ा कॉज होता है, कोई जल का कोई प्रॉब्लम है, कोई बड़ा इशू होता है, पॉलिटिशियंस फेमस हो जाता है, लीडर हो जाता है, मिनिस्टर हो जाता है, लेकिन जो पब्लिक वहां पर धरना देकर बैठी हुई थी, वो पब्लिक की जो हालत है वो जो जैसी पहले थी वैसी ही रहती है, ठीक, पूरा सेंस आ रहा है, मीनिंग पर प्रॉपर आ रहा है, और ये सेकेंड वाला दोस्तों हमारा एकदम करेक्ट है दोस्तों। चलिए दोस्तों सेंटेंस रीअरेंजमेंट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आप देखें, इसके अंदर आपके ऑप्शंस, कोई आपका स्टार्टर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शंस ए बी सी डी, चलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा है टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस इनिशिएटिव बिकॉज इट इज, देखो एक चीज तो फर्स्ट ऑप्शन को देखने से पता चल गई, देखो सबसे पहले तो हमको ये डिसाइड करना है कि ये जो स्टार्टिंग हो रही है आपका जो स्टार्टर है वो इन चारों में से क्या है, ठीक है, सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि इनमें से स्टार्टर क्या है। चलिए तो क्या टू कंट्रीब्यूट स्टार्ट होगा, नहीं होगा, टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स दिस इनिशिएटिव बिकॉज, तो कोई इसमें ये पूरा टू कंट्रीब्यूट, टू जो है आपका प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन से हम लोग जनरली स्टार्ट यहाँ पे नहीं होगा, सेंस भी नहीं बन रहा है, तो आप ये मान के चलो ए वाला आपका कैंसिल हो गया, भाई ए से हम स्टार्ट नहीं करेंगे। फिर हम देखते हैं कि क्या हम इससे कर सकते हैं, ऑल से, ऑल दी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव अग्रीड, ऑल दी कंट्रीज सभी देश इंडिया को मिलाकर वो क्या हुआ, वो अग्री हो गए, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑल आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ऑल दी कंट्रीज आपका सब्जेक्ट हो गया, मतलब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों बी से, ठीक है, किससे स्टार्ट कर सकते हैं, बी से, क्या हम सी से स्टार्ट कर सकते हैं, देखते हैं, इंडिया हैज मैनेज्ड टू फोर्स सर्टन रूल्स ऑन देम, देखो किस पर, ध्यान दो यहां तक तो बिल्कुल बराबर है, यहां कोई भी स्टूडेंट कह देगा कि हाँ सर इंडिया जो है आपका सब्जेक्ट है ना, और उसके बाद वर्ब भी आ रहा है, मतलब हम इससे स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, पूरा पढ़ना चाहिए, पूरा ऑप्शन पढ़ो, आप देखो इंडिया हैज, ठीक है, इंडिया हैज मैनेज टू फोर्स, इंडिया ने मैनेज किया, फोर्स किया, क्या फोर्स किया, सर्टन रूल्स, अगर यहां तक अगर आपका ऑप्शन में होता तो आप बोल सकते थे कि हाँ बिल्कुल आप इसे स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन लास्ट में देखो क्या आ गया, ऑन देम, ऑन देम मतलब ऑन हुम,
ऑन होम मतलब क्या, ऑन देम मतलब हो सकता है कि किसी और सेंटेंस की अपन बात कर रहे हैं, ये जो देम है ये कोई और है, मतलब ये इस सेंटेंस से पहले कोई दे या देम वाले आए होंगे, देम का देम प्रोनाउन जो है उसके कोई नाउन भी होगा, तो वो जो नाउन होगा उसकी बात हो रही होगी, मतलब ये सेंटेंस से स्टार्टिंग नहीं हो रही है। देखो किस तरीके से समझना है, इंडिया हैज मैनेज टू फोर्स सर्टेन रूल्स ऑन देम, उन पर, तो उन पर किन पर, मतलब ये है कि इससे पहले उन पर वाला जो एक सेंटेंस है वो आया, मतलब आप क्या बोल सकते हो कि सी से दोस्तों स्टार्टिंग नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक, अब देखते हैं इसको, इन लाइन, इन लाइन ये आपका एक फ्रेज है, ठीक है, ये आपका क्या है, फ्रेजल प्रीपोजिशन है, फ्रेजल प्रीपोजिशन से आप शुरुआत कर, इन लाइन विद द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द कंट्रीज, दो ये भी कोई मीनिंग नहीं आ रहा है, मतलब स्टार्टिंग जो है आपका डी से भी नहीं हो रहा है, मतलब दोस्तों स्टार्टिंग किससे हो रहा है भाई, स्टार्टिंग एक बात तो हमने पता कर ली कि स्टार्टिंग होगा बी से, स्टार्टिंग किससे होगा बी से, देखो बी से जम रहा है, ऑल दी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव अग्रीड, ठीक है बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है, देखो ऑल दी कंट्रीज, अब देखते हैं आगे, ऑल दी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव अग्रीड, दोस्तों मैंने आपको बताया था, देखो बहुत बहुत ही अच्छी चीज में हमने पता कर ली, देखो क्या होता है कि अग्रीड कभी भी आया, याद रखना अग्रीड जो आता है उसके बाद हमेशा टू आता है भाई, अग्रीड के बाद क्या आता है, हमेशा टू आता है, मतलब दोस्तों टू कहां पर है, टू कहां पर है, टू कहां पर है, ये रहा टू यहां पर, मतलब आपका ये आपका पेयर बन गया, किस किस का पेयर बन गया, आपका बी का और ए का, बी का एयर, बी और ए देखो आपका पेयर बन गया, ठीक है क्या हो जाएगा, देखो आप ऑल दी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव अग्रीड टू कंट्रीब्यूट, ठीक है बिल्कुल सही हो जाएगा ये, हैव अग्रीड टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स दिस इनिशिएटिव बिकॉज इट इज, देखो ध्यान दो इट इज, अब इट इज है तो इट इज के बाद या तो नाउन होगा या प्रीपोजिशन होगा भाई, इट इज के बाद क्या होगा, नाउन भी हो सकता है, आपका वर्ब भी हो सकता है और आपका कोई प्रीपोजिशन भी हो सकता है, तो हम देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है, देखो बी उसके बाद ए आ गया, अब हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, बी हो गया ए हो गया, या तो आपका सी होगा या आपका डी होगा, ठीक है अब देखते हैं क्या होगा, तो इट इज, अब इट इज के बाद इट, देखो इट इज, इट इज इंडिया हैज मैनेज, अब देखो इट इज, इट इज के बाद इंडिया, देखते हैं ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर से पढ़ लेते हैं कि ऑल दी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव अग्रीड टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस इनिशिएटिव बिकॉज इट इज इंडिया हैज मैनेज, ये तो जमीन ही रहा, देखो बिकॉज इट इज इंडिया हैज मैनेज टू कंट्रीब्यूट, तो इट इज इंडिया हैज नहीं, ये तो पूरा नया ही सेंटेंस आपका शुरू लग रहा है भाई, नया ही लग रहा है, मतलब ये इट इज के बाद इंडिया नहीं आ रहा है, मतलब आपका सी वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, मतलब कौन सा आएगा डी वाला, देखो इट इज इन लाइन, ये आपका क्या है, ये आपका फ्रेजल प्रीपोजिशन है, फ्रेजल प्रीपोजिशन है और बिल्कुल फिट हो रहा है, देखो तो इट इज इन लाइन, किसमें है, इन लाइन में, इट इज इन लाइन का मतलब है कि वो एकदम आपका सही जगह है, इन लाइन विद द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द कंट्रीज, ऑल द कंट्रीज इन लाइन मतलब वो आपका सही जगह पर है, इन विद द इंटरेस्ट इन ऑल द कंट्री, बिल्कुल सही जम रहा है, मतलब आपका यहाँ पे डी वाला हो गया, क्या हो गया, तो बी हो गया, ए हो गया, डी हो गया, और बचा क्या हमारा, सी हो जाएगा लास्ट में, देखते हैं जम रहा है कि नहीं, तो देखो इन लाइन विद द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द कंट्रीज दो, अब दो जो आया उसके बाद आपका सी में क्या है, दो, दो इंडिया, यस बिल्कुल, दो के बाद जो है आपका नाउन आ सकता है, क्या आएगा दो के बाद, नाउन ये आ गया, दो इंडिया हैज मैनेज टू फोर्स सर्टन रूल्स ऑन देम, ये आपका जो है पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट भी हो रहा है, मतलब हमारा पेयर क्या बन गया दोस्तों, बी ए डी सी का पेयर, एक बार पढ़ो आपको सही लगेगा, पढ़ो एक बार, देखो बी से शुरू करो, बी वाला ऑप्शन क्या है यहां से, तो देखो ऑल दी, बी वाला ऑप्शन आपका ऑल द कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव अग्रीड, ठीक हैव अग्रीड टू कंट्रीब्यूट, ठीक है ए वाला, टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स दिस इनिशिएटिव बिकॉज इट इज, इट इज, इट इज के बाद डी वाला पढ़ो, इट इज इन लाइन विद द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द कंट्रीज दो, दो के बाद सी वाला पढ़ो, ठीक है तो दो, दो इंडिया हैज मैनेज टू फोर्स सर्टन रूल्स ऑन
देम। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ किस तरीके से, कितना आसान तरीके से, ट्रिकी तरीके से हमने सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस किए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए ट्रिक्स के साथ, नए कॉन्सेप्ट्स के साथ।